दोस्तों, बीते कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। हालांकि ये आत्महत्या है या हत्या है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर कुछ लोग 80% लोग हैं जो इसे हत्या ही मान रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, नेपोटिज्म को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये चर्चाएँ अभी तक चल रही हैं। ये ऐसा दूसरी बार हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की चर्चाएँ आज भी जारी हैं। वो इतने बड़े एक्टर बन गए और बहुत ही कम समय में बहुत ही कॉमन परिवार के होने की वजह से। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी देने वाला हूं जो कि दिव्या भारती के साथ भी ऐसे ही हुआ था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए, हमारी टीम बहुत ही मेहनत करती है, सर्च करती है, उसके बाद आपके लिए हम जानकारी लेके आते हैं। और ऑलमोस्ट ये स्टोरी आपको ट्रू लगेगी, सच रहेगी, इसमें कोई भी आपको झूठ का वो नहीं मिलेगा, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और दिव्या भारती में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉमन है। दोस्तों, वैसे तो दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म विश्वात्मा से की थी। इन्होंने बॉलीवुड में अपनी फिल्म विश्वात्मा से करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इनके साथ उस समय के दिग्गज एक्टर नजर आए थे, जैसे कि सनी देओल हो गए, चंकी पांडे हो गए और नसरुद्दीन शाह। ये सारे एक्टर थे दिव्या भारती के साथ और ये फिल्म उस टाइम की सुपरहिट फिल्म में से एक रही थी। जब इन्होंने ये फिल्म की और इस फिल्म में एक गाना आया था, सात समुंदर पार, इस फिल्म से दिव्या भारती रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। हालांकि दिव्या भारती इससे पहले भी कुछ साउथ फिल्मों में काम कर चुकी थी, पर बॉलीवुड की इनकी पहली फिल्म थी और बॉलीवुड में ये एक ही फिल्म से, मतलब पहली फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गई और इनके आगे डायरेक्टरों की लाइन लग गई। सारे प्रोड्यूसर, सारे डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और यही वजह है कि दिलवाले फिल्म हो गई, सपूत फिल्म हो गई, मोहरा फिल्म हो गई, लाडला फिल्म हो गई, हर एक फिल्म में पहले दिव्या भारती को ही कास्ट किया गया था। हालांकि उनके जाने के बाद इस फिल्म में किसी और एक्ट्रेस को लिया गया है, अलग अलग एक्ट्रेस को कास्ट किया गया, पर पहले इन सारे फिल्मों की पसंद दिव्या भारती थी। अब मैं आपको बताता हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म आई थी काई पोचे। काई पोचे के बाद सुशांत सिंह राजपूत भी रातों रात सुपरस्टार बन गए और इसके बाद इन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी थी। और ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को मिल चुकी थी जिसके बाद उन्हें रिप्लेस किया गया। इसके अलावा भी सुशांत सिंह राजपूत को और भी कुछ फिल्में मिल चुकी थी जिससे उन्हें हाथ धोना पड़ गया था नेपोटिज्म के चलते। और दिव्या भारती की अगर बात की जाए, दिव्या भारती इसलिए गई थी इन फिल्मों से क्योंकि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। और इस बात की सच्चाई तो अभी तक फिलहाल मालूम नहीं पड़ी कि इन दोनों ने सुसाइड की है या उनकी हत्या हुई है। अगली चीज़ यह है कि दिव्या भारती की चर्चाएं जहां आज भी होती हैं, इनकी मौत के खुलासे आज भी होते रहते हैं, आज भी इनकी बातें होती रहती हैं कि दिव्या भारती उस टाइम की ऐसी टॉप एक्ट्रेस हैं जो कि बॉलीवुड में रातों रात सुपरस्टार बन गई और एक से एक फिल्में देने लगी थी। इन्होंने बहुत से एक्टर के साथ काम किया, चाहे वो हमारे बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती हों, चाहे गोविंदा हों और चाहे सनी देओल जैसे एक्टर हों, इन्होंने सबके साथ काम करना चालू कर दिया था और ये फिल्मों में हिट हो चुकी थी। सेम ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पहली फिल्म से लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग छाप बना ली, उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी, MS धोनी जैसी फिल्में, केदारनाथ जैसी फिल्में जो कि सुपर हिट गई, मतलब कि फ्लॉप की बात ही नहीं आई, बैक टू बैक फिल्में सुपर हिट, मतलब दिव्या भारती को सुपर हिट, इधर सुशांत सिंह राजपूत को भी सुपर हिट। उस समय की बात करें और आज की बात करें, दोनों में ये चीज़ें एकदम कॉमन हैं। अब बात करते हैं आत्महत्या या हत्या। उस समय जब दिव्या भारती की मौत हुई थी तो बहुत से कयास लगाए गए कि इन्होंने हत्या की, इनकी हत्या हुई है या इन्होंने आत्महत्या की है। किसी ने कहा, बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इनकी जो नौकरानी है कोई बूढ़ी सी है उसने इसे मारा है, या इनके पति पर भी इल्ज़ाम आया था जो कि साजिद नाडियाड वाला है, इनके ऊपर भी इल्ज़ाम आया, श्रीदेवी के ऊपर भी इल्ज़ाम आया था कि कहीं श्रीदेवी ने तो इनकी जान नहीं ली है, क्योंकि श्रीदेवी उस समय टॉप पर चल रही थी और श्रीदेवी को ये टक्कर दे रही थी। मतलब किसी को हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, पर खबरें ऐसी बहुत सी आ रही थी। और आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। कभी उन्हें सलमान खान के ऊपर लगाया जा रहा है कि सलमान खान ने साजिश की है, कभी शाहरुख खान, क्योंकि ये सब इनका मजाक उड़ा चुके हैं, इनके कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो ये सेम चीज़ें जो हैं मिलती जुलती हैं। और जहाँ तक बात रही चर्चाएँ की, जैसे कि दिव्या भारती की चर्चा आज तक होती है, आज भी खबर न्यूज़ हर जगह बनती रहती है और लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं, वही सेम चीज़ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी है। उन्हें गए आज लगभग कई दिन बीत चुके हैं लेकिन उनकी चर्चाएं आज भी चल रही हैं। ऐसा किसी बड़े एक्टर के साथ नहीं हुआ है। ऋषि कपूर जी इस दुनिया को छोड़कर गए और इरफान खान जी इस दुनिया को छोड़कर गए, ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिसने इस दुनिया को अलविदा कहा लेकिन किसी की चर्चाएं नहीं चल रही हैं, किसी की खबर नहीं बनी है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे एक्टर रहे जिनकी चर्चा आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक कि इसका असली खुलासा नहीं हो जाता। और यही चीज़ है दिव्या भारती के साथ, जब तक कि असली खुलासा नहीं हो जाएगा चाहे कितना भी साल बीत जाए चर्चाएं चलती रहेंगी। आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में राय देना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।